हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आप सभी को मेरे तरफ से दुर्गा पूजा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपकी राशि एक्यूरियस हैं यानी कुंभ राशि हैं, तो चलिए देख लेते हैं 3 से 15 के बीच में अक्टूबर मंथ में यानी अक्टूबर 2022 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। और यहाँ पर हम आपकी पर्सन की एनर्जी भी चेक करने वाले हैं और आपके लव लाइफ के लिए एक ज़रूरी मैसेज भी लेने वाले हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहें। द हर्मिट, नाइट ऑफ वंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वंड्स। सेवन ऑफ वंड्स और इसके बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। ओ वाओ, तो चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर है एट ऑफ वंड्स। ये कार्ड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। ये कार्ड बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है। फर्स्ट तो एट ऑफ वंड्स का कार्ड एक गुड न्यूज़ की बात करता है, और सेकंड आपके और आपके पर्सन के बीच में एक रोमांटिक कनेक्शन बिल्डअप होने की भी बात करता है। सो 3 से 15 के बीच में अक्टूबर मंथ में आपके साथ आपके पर्सन की जो रिलेशनशिप है उनमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा आपको, और आप दोनों के बीच में प्यार का लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। और इसके बाद है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपने शायद अपने पर्सन के ऊपर, अपने लव लाइफ के ऊपर बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हो पहले, अपना टाइम, अपना इमोशन, अपना मनी। सो इसका रिजल्ट अभी आपको मिलने वाला है 3 से 15 के बीच में। सो ये कार्ड कहता है कि आपको आउटकम ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बेकार नहीं जाएगा। गला थोड़ा सा ख़राब है, सॉरी फॉर दिस। आप अपने लव लाइफ के तरफ से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही बहुत सारे सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होने वाले हैं। आपके लव लाइफ के तरफ से ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये बॉटम ऑफ द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं, एयर साइन जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं, और यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। ओके, सो सारे के सारे साइन यहाँ पर मौजूद है एक साथ। सो आप देख सकते हो इस टाइम पर फर्स्ट आया है द हर्मिट। आप इस टाइम पर रिसेंट पास्ट की बातें कुछ सोचते हुए दिख रहे हो, रिसेंटली जो आपके लाइफ में हुआ है। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं दिख रहे हो, दुखी भी नहीं दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर। आप होपलूस होकर बैठोगे, पर अचानक से आपको सोचते सोचते कुछ होप भी नज़र आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रात हो गई है यानी अंधेरा हो गया है। सो अंधेरे में भी आपको लाइट दिखेगा अचानक से, आपको होपलेस जगह पर होप दिखाई देगा। ओके, सो इसके बाद है, और इस कार्ड से मुझे लग रहा है क्योंकि ये कार्ड एक मेजर अर्काना है, सो आपके जो पर्सन है वो वर्गो हो सकता है या फिर उनके चार्ट में वर्गो हो सकता है। ओके, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वंड्स। इस टाइम पर आप अपने पर्सन के साथ घूमने जा सकते हो,
कहीं पर एक साथ बैठ के कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर सकते हो एक दूसरे के साथ। इस टाइम पर आपके आँखों में बहुत ज़्यादा चमक रहेगा, आपके जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा खिला खिला सा रहेगा, बहुत ज़्यादा मुस्कुराओगे आप इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। और इस टाइम पर आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हुए भी दिख रहे हो। और यहाँ पर है 9 of Pentacles। सो यहाँ पर लव लाइफ की तरफ से आपका एक दिल ही ख्वाहिश पूरा होने की बात हो रही है। आपका कोई एक ड्रीम है जो रियलिटी में बदलने वाला है। आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे। इस टाइम पर आपको नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। और मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कोई एक इन्विटेशन, कोई एक गुड न्यूज़ इस टाइम पर आपके पास आ सकता है। जिस भी पर्सन की तरफ से ये आएगा उनके घर में शायद बर्ड्स एज अ पेट रखा हुआ है, ऐसा हो सकता है, या फिर उस पर्सन को बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं इस टाइम पर। ओके, सो इसके बाद हैं 7 of Wands। आप देख सकते हो आप इस टाइम पर आपके लव लाइफ की तरफ से कुछ चैलेंजेस भी फेस करते हुए दिख रहे हो, और इसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी आते हुए दिख रहे हैं। और इस टाइम पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा धैर्य से सोचकर, मन को शांत करके, दिमाग को शांत करके फैसला लेने वाले हो। कोई भी डिसीजन यहाँ पर लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोच कर लेने वाले हो। आप इस टाइम पर आपके हार्ट चक्रा पर काम करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो जिस भी चैलेंजेस के लिए आप यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे थे, सो उसका रिजल्ट आपको सक्सेसफुली मिलता हुआ दिख रहा है मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड से। आपको यहाँ पर एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, एक विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है। आप इस कार्ड को देख सकते हो, इस इंसान के चेहरे पर हंसी नहीं है, मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं है, पर इस इंसान के दिल में, इस इंसान के चेहरे पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखेगी आपको। कुछ ऐसा ही सिचुएशन बनने वाला है आपके लव लाइफ में। और इसके बाद है किंग ऑफ कप्स। सो इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ की तरफ से एक किंग की एनर्जी में रहोगे, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि यहाँ पर भी किंग है, यहाँ पर भी किंग है। सो इसके बाद तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड आ गई है आपके लिए, मैं बता देती हूँ। सो आप एक क्वीन या फिर एक किंग की एनर्जी में रहोगे इस टाइम पर। अगर आप मेल हो तो किंग की एनर्जी में, अगर आप फीमेल हो तो क्वीन की एनर्जी में रहोगे। ओके, आपके मन में आपके लव लाइफ की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है। कुछ मेजर क्लैरिटी आपको मिलने वाला है आपके लव लाइफ के तरफ से। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो। आप अपने मन की बात अपने अंदर ही रखने वाले हो, आप किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाले हो। और आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हुए भी दिख रहे हो। आप जो भी मांगोगे भगवान से, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उससे आपका हार्ट कनेक्टेड होगा, यानी आप जो भी करोगे आप बहुत ज़्यादा दिल से करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर एक दर्द होगा, पर इस दर्द को आप किसी को भी नहीं दिखाने वाले हो। बाहर से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान लगोगे, पर अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानेगा। और इस टाइम पर आप जो भी मांगोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ से मुझे लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है मुझे। और इसके बाद है द हाई प्रिस्टेस। ये कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करता है, और ये कार्ड एक होली एनर्जी भी कैरी करता है। सो इस कार्ड का रीडिंग में आ जाना, मतलब पूरा रीडिंग बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाना। सो इस टाइम पर आप डिवाइन कनेक्टेड भी होने वाले हो, यहाँ से मुझे लग रहा है। सो ये कार्ड भी कहता है कि आप क्या करने वाले हो, कब करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, इस बारे में किसी को कोई भी भनक तक नहीं लगेगी किसी भी बारे में। ओके, सो सबके लिए आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड भी कहता है कि आप जो भी मांगोगे इस टाइम पर वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो कार्ड एक ही बात करता है।
ओके आप देख सकते हो, दोनों के चेहरे आप देख सकते हो, ओके सो एक दूजे से रिलेट कर रहा है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप अपने मन के डीपर लेवल से बहुत कुछ मांगते हुए दिख रहे हो भगवान से, अपने लव लाइफ के तरफ से। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आप जो भी मांगोगे इस टाइम पर वो आपको मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ओके और यहाँ से मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं वो पर्सन आपको, पर आपको कुछ बता नहीं सके हैं अभी तक। पर ये इंसान ज़रूर से ज़रूर इस टाइम पर कोशिश करेंगे कि आपको कुछ बता दे इस बारे में कि आपको वो पसंद करते हैं या फिर कुछ ऐसा। ओके सो कुछ ज़रूर से ज़रूर आपको साइन देखने को मिलेगा किसी की तरफ से। और चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। सो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके पर्सन, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। सो कोई भी हो सकता है, आप जिनके बारे में सोचोगे उनकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। द हॉमेट, देखो आपके लिए भी द हॉमेट फर्स्ट कार्ड है और आपके पर्सन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके लिए भी द हॉमेट फर्स्ट कार्ड है। इसके बाद ही है द मैजिशियन, पेज ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, सो बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। सो ये इंसान आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें नया स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड, एक रीबर्थ का कार्ड भी है। सो जहाँ पर ये इंसान आपके साथ कुछ ख़त्म करेंगे वहाँ से ही कुछ स्टार्ट भी करेंगे। इस इंसान को आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उनमें एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। जैसे आप दोनों इतने दिनों तक चल रहे थे एक दूसरे के साथ, आप दोनों का कनेक्शन जो भी हो, सो उनमें ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। सो ये बॉटम ऑफ द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर द हॉमिट कार्ड है। सो डेफिनेटली आप जिनके बारे में सोच रहे हो आपके जो पर्सन हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर दुखी होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा निराश दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील करते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है, उनमें प्योरिटी नहीं है, उनमें रियलिटी नहीं है। उनको ये लव कनेक्शन बहुत ज़्यादा फेक लगने वाला है इस टाइम पर, क्योंकि ये इंसान ये जो आर्टिफिशियल लाइट लेके घूम रहे हैं इनको ये इंसान अभी नहीं चाहते हैं, इनको रियल लाइट चाहिए, इनको सन चाहिए। सो ये इंसान आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और इसके बाद ही है द मजिशियन। सो इस इंसान को अचानक से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रहा है, इनको ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूँ अगर आप मेरे साथ रहो। ये एक मेजर अरकाना है और ये भी, ओके सो डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंसफुल दिख रहे हैं आपको लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। और यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। सो यहाँ से मुझे लग रहा है ये इंसान अपने फैमिली के बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। सो कुछ ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे इनके लाइफ में, जिनमें अपने फैमिली और आप में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये सोचते सोचते ये अपने फैमिली को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है पेज ऑफ वंड्स, ये एक फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है। ये अपने फैमिली के बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फैमिली में शायद बड़ा कोई एक मेल फिगर है जिसकी बात ये इंसान सुनते हैं। ये इनके पापा हो सकते हैं, ये इनके दादा भी हो सकते हैं। उस इंसान की बात ये इंसान बिल्कुल भी नहीं टालते हैं। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपसे रिलेटेड कोई बात ये इंसान कर सकते हैं उनसे, इनके फैमिली से, ओके और यहाँ पर आप देखो क्वीन ऑफ वांड्स है। सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये इंसान जब उनके फैमिली से आपकी बात करेंगे उनमें सभी आपको एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो राज़ी होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। ओके सो आपके लव लाइफ के लिए एक मेजर मैसेज दे देते हैं, पॉजिटिव रहें।
सो यहाँ पर है द एम्प्रेस। जैसा कि मैंने आपकी रीडिंग से देखकर बताया, आप इस टाइम पर खुद पर बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हो, आप खुद की बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो। यहाँ पर एक सेल्फ केयर दिख रही है मुझे, और आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी दिख रहे हो। और यहाँ से मुझे एक बात लग रही है, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पास आपके बेबी की तरफ से एक गुड न्यूज़ आने वाला है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी की चांस यहाँ पर दिख रही है। सो कॉन्शियस रहो। ओवरऑल हर एक कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कैरी कर रहा है आपके रीडिंग में। सो आपका 3 से 15 का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, बहुत ज़्यादा मेजर गुजरने वाला है। और आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शांति से काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसला लेते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि आप जो भी फैसला लोगे, जो भी करोगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है आपके लिए। सो बाय।